तो कैसे हो भाई और उनकी बहनों? तो गाइस दिल थाम के बैठे क्योंकि आसमोई फिर से खेलने नहीं, पहली बार खेलने जा रहा है डॉक्टर ड्राइविंग। तो गाइस डॉक्टर ड्राइविंग गेम को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता भाई, ऐसा कोई इंसान मतलब हो ही नहीं सकता भाई जिसने इस गेम को खेला ना हो भाई। और मैंने तो कुछ ज़्यादा ही बचपन में ही खेला है, तो भाई मैंने सोचा ट्राई करते हैं डॉक्टर ड्राइविंग, क्या इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आए या नहीं आए। तो गाइस मैं मतलब बचपन में खेलते थे तो पता नहीं भाई क्या, मतलब काफ़ी अच्छा खेलते थे, मतलब आप पता नहीं क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं क्या नहीं। तो खैर यहाँ पर मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर मैंने भाई ट्रक वाली लेवल लगा रखी है, लगा क्या रखी अपने आप लगी, बाकी मुझे ऐसे ही मतलब अंदर का जो व्यू है वही ज़्यादा अच्छा लग रहा है चलाते हुए, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वैसे तो मुझे चला नहीं मिल रहा है, तो भाई लो मतलब गाइस मुझे वैसे तो चला नहीं मिलेगा, तो भाई वैसे ही चलाएंगे अपने लोग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, और जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करे, कमेंट करे, बाकी शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और बाकी अगला गेम कौन सा बनाऊँ, किस वीडियो का मतलब किस गेम के पर्पज पर बता देना कमेंट में, बाकी लाइक ज़रूर कर देना गाइस। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और हमने वही दोबारा वही अपना ट्रक वाला लेवल मतलब ट्रक वाली जो थी लेवल वही लगा रखी है। अब कि हमें बहुत ही ध्यान से खेलना होगा क्योंकि गाइस मैं बहुत पहले खेल चुका था, क्योंकि भाई अब तो कोई खेलता नहीं इसको, जिसकी ये मतलब जो कंपनी थी भाई पता नहीं अपडेट वगैरह भी नहीं लाती अब तो इस मतलब गेम में, तो भाई वही दसियों साल से भाई ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया इसमें। तो इसलिए गाइस हम बस थोड़ा ही बहुत खेलेंगे इसको, मतलब मज़ा आएगा फिर भी खेलते हुए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ईजिली मतलब जो इसका अंदर का व्यू है ना भाई वो ज़्यादा अच्छा खेल मिलता है। वैसे तो ऊपर से भाई जो तीन कैमरे एंगल आते हैं ना वो तो भाई दो तो खेल ही नहीं मिलता, बाकी जो ऐसे जो हैं जैसे बिगिनर हैं उनको तो भाई अंदर से बाहर से कैसे भी नहीं खेल मिलेगा। खैर मैं तो अभी यहाँ पर प्रोफेशनल हूँ क्योंकि मैंने बचपन में बहुत ही ज़्यादा खेल चुका हूँ। यहाँ पर मैंने ईजिली भाई अपनी जो भी ट्रक वाली मेरी लेवल थी वो भाई मैंने फिनिश कर दी है। तो यहाँ पर मैं भाई ऑलरेडी मैंने जब खेल रहा था भाई तो मैं काफ़ी मतलब प्रैक्टिस कर रहा था भाई, ऐसे थोड़ी ना भाई, क्योंकि मज़ा आता है भाई इसको खेलते हुए, इसलिए मैंने गाइस इसको खूब खेला। तो मैंने एक कार जो वगैरह थी ना वो भी मैंने खोल रखी है, तो यहाँ पे मैंने देख रहा गुड टर्न मारा भाई, तो तारीफ़ भी हो रही मेरी। चलो भाई अब यहाँ पर ड्रिफ्टिंग का वो है लेवल, तो यहाँ पर ड्रिफ्टिंग का करना होगा, लेकिन खैर अपने को ड्रिफ्टिंग ऐसी आती नहीं अपन लोगों को, ऐसी थोड़ी बहुत आती है तो वही कर लेंगे अपन लोग। खैर यहाँ पर जो जहाँ पर ये बताता है आप लोगों को उसकी साइड में चलना है। ओके भाई काफ़ी अच्छी ड्राफ्टिंग मार रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा तगड़ी वाली नहीं मार पा रहा तुम्हारा भाई, मारेगा लेकिन कभी अभी नहीं मार पाया, कोई कार भी कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं है भाई, लोकल कार है, क्योंकि भाई इसमें अपडेट ही नहीं आया अभी तक, पता नहीं क्यों भाई इतना ढीला कर रखा है लोगों ने, अच्छे खासे डाउनलोड है फिर भी भाई अपडेट वगैरह क्यों नहीं लाते ये लोग, पता नहीं भाई, कम से कम कार में तो इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए था इनको। खैर यहाँ पर मेरे यार मेरी ड्राफ्टिंग की जो लाइनिंग वगैरह है वो भाई ऊपर ही नहीं हो रही भाई, वहीं पर अटक सी गई हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग तुम्हारा भाई मार ही नहीं पा रहा है क्योंकि तुम्हारा भाई अब खेलना बंद कर, मतलब काफ़ी पहले खेलता था बचपन में तो भाई खेलता था, अब तो भाई खेलना ही नहीं आता, कैसे ड्राफ्टिंग लगेगी कैसे नहीं फिलहाल। ओके बता फिलहाल अभी यहाँ पर जो भी ये बता रहा है उसी साइड में हम लोग चल रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। खैर यहाँ पर मुझे कॉइन्स से मतलब है, कॉइन्स भाई मुझे मिलने हैं ताकि मुझे भाई और अच्छी अच्छी कार वाला खोलना है। असल मैंने भाई बस यही ब्लैक वाली कार इसमें ओपन की थी, बाकी तो भाई मैं कोई सी कर ही नहीं पाया क्योंकि इतना मनी नहीं करता था भाई, बस ये मतलब था खेलने से भाई, कॉइन से मतलब नहीं है। लेकिन अभी भाई को तुम्हारे कॉइन से मतलब, क्योंकि अपना अपन लोगों को भाई वाइट वाली जो इसकी आती है कार वही खोलना भाई, वो उसकी भाई स्पीड वगैरह ब्रेक वगैरह बहुत ही प्यारे हैं, मतलब हाई लेवल स्पीड है भाई, मतलब इससे सब गाड़ियों से ज़्यादा, बाकी तो भाई गोल्ड में है वो, गोल्ड वाले तो कॉइन्स मतलब पैसों से खरीदे जाएंगे भाई, पे वगैरह करना पड़ेगा, तो इतने तो अमीर है नहीं अपन लोग। खैर यहाँ पर शुरू ओके भाई कितना बल्ला है भाई, मतलब देख रहे हो ड्रिफ्टिंग पूरी नहीं हो पा रही, कॉइन्स से मेरे देखो लेवल कहाँ तक पहुँच गई भाई, दिखाई देना बंद हो गए कॉइन्स भाई। खैर अपना ही फ़ायदा है कॉइन्स में, लेकिन पता नहीं कॉइन्स मिलते भी हैं नहीं मिलते हैं। खैर यहाँ पर जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, अभी भाई थोड़ी सी दूसरी बची है गाइस, कभी कंप्लीट कर देगा तुम्हारा भाई, बाकी अब ये देखते हैं अगला लेवल कौन सा खेलते हैं अपन लोग, कोई लंबाई वाला लगाएंगे गाइस। चलो ओके अभी नहीं पीछे जाना था मुझे अभी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है काफ़ी इसके बाद टाइमिंग वगैरह भी कि रूल्स वगैरह आएगा, टाइमिंग का वो आएगा एक लाइन वगैरह उसको पूरा करना होगा, उसके बाद शायद हो पाएगी। लो टाइम का तो आ गया लेकिन ये फिनिश ख़त्म हो चुका है, और फाइनली गाइस हमारी ये होगी लेवल पार भाई, मतलब फिनिश हो चुके गाइस, मतलब काफ़ी भाई बहुत गंदे खेला मैं यार इसमें यार, मिशन स्कोर एक भाई। चलो भाई हाईवे खेलते हैं, हाईवे बढ़िया है, हाईवे मतलब ज़्यादा स्पीड में चलती है और भाई कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है हाईवे में,
हैवे में भाई तो मतलब टर्न वगैरह मतलब नहीं मारना पड़ता तुम लोग, बस सीधे से मतलब है भाई सीधे चलते रहो, बस गाड़ियों से बचाते रहो। इसमें भाई गाड़ियों से बचाना ये बहुत ही बड़ा वो है जो मैं कह रहा था भाई। इस कार को मुझे खोलना है और इसी कार से मैं ठोका हूँ। खैर यहाँ पर ये शायद कितने में 9000 कॉइंस पर है जो भाई अभी औकात से बाहर है, बहुत ज़्यादा खेलना पड़ेगा उसके बाद ही खुल पाएगी। खैर अभी तो छोड़ो उसकी तो सपने देखना बंद ही करो, अभी अपने गेम पर फोकस करते हैं भाई। अपन लोगों को करना है भाई हाईवे का कंप्लीट, तो बहुत बचा बचा कर चल रहा हूँ गाइस मैं, और स्पीड भी मेरी 120-90 हो रही है भाई, 100 की स्पीड में चल रही है अभी तुम्हारे भाई की कार, और तुम्हारा भाई देख रहा हूँ कितनी तेज़ी के साथ चला रहा है भाई। मैं मतलब कार अच्छी है ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई ब्रेक वगैरह सब बढ़िया है, स्पीड भी, लेकिन भाई मैं चलाना चाहता हूँ भाई 170-180 की स्पीड में भाई लगे। हाँ भाई कार मतलब चला रहा भाई, मतलब अच्छा तो चला लेता हूँ मैं भाई। खैर भाई डर लग रहा है भाई मुझे कहीं ठुक ना जाए भाई, इतनी मुश्किल से भाई इतनी आगे आ पाओ भाई ठुक जाते हो, फिर कोई ना कॉइन्स मिलते ना कुछ भाई, गरीबी के आलम वैसी है भाई। खैर चलो भाई हो गया ये तो, चलो भाई कितनी दूर इसमें मतलब दिखाना चाहिए भाई कितनी दूर रह गया है मतलब हमारा वो फिनिशिंग लाइन वगैरह, लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं। खैर चलो अभी तो अपन लोगों को होने वाली होगी, अपन लोगों की काफ़ी दूर आ चुके हो फाइनली गाइस, ये भी कंप्लीट हो गई अपन लोगों की, और अपने इसमें भी फिर जीत चुके हैं। उम्मीद नहीं थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था भाई हर कहीं से ठुक ना जाऊँ, खैर वो तो बच गए। यहाँ पर ब्रोकन ब्रेक, ओके तो गाइस हमारा जो भी है भाई इसमें भाई ब्रेक काम नहीं करते भाई, इसमें ब्रेक लगते ही नहीं है, मतलब बाइक से भी स्पीड काम करती है और कुछ नहीं, तो बहुत ही आराम से खेलना होगा इसमें तो, क्योंकि भाई ब्रेक तो काम करते नहीं है। और अगर गलती से भाई मुड़ना हो मतलब मुझे ले जाना हो राइट में और मैं लेफ्ट में हो जाऊं भाई तो गलत सीन हो जाएगा, इसलिए भाई बहुत ही आराम से चलना है। जब तक भाई मतलब टर्न वगैरह नहीं आया जब तक तो कर लो तुम, लेकिन जब भाई सीधे चलना है तो स्पीड में चलाओ, जैसे ही टर्न का ऑप्शन आया मतलब देख सकते हो राइट में मुड़ना है तो भाई तुरंत भाई स्पीड हल्की करो, हल्की तो होगी नहीं भाई एक्सीलेटर है उस पर से मतलब अपना हाथ हटा लो भाई और कुछ नहीं करना, क्योंकि भाई ब्रेक से तो मतलब ही नहीं है, अपन लोग उसको तो छुओ ही मत इसमें। ओ भाई ये गलत सीन हो भाई, मैंने पहले ही उसको यार मतलब टर्न कर दिया था, कोई बात नहीं खेले कंप्लीट ये मतलब यही खेलेंगे भाई, इसको ही कंप्लीट करेंगे पहले, लेकिन अब जो गलती हुई थी वो गलती दोबारा नहीं करेंगे अपन लोग, पहले से अब थोड़ी ट्रेनिंग ले लेंगे भाई। देख रहे हो परफेक्ट मारा है, ड्रिफ्ट भी मारी तुम्हारे भाई ने। खैर अब डर लग रहा है भाई, भाई ये डर लग रहा है अब मुझे पक्का डर लग रहा है भाई, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अभी एक सीन ऐसा हुआ था ना बहुत ही तगड़ा वाला भाई, मतलब ना ब्रेक लग रहे थे, नहीं वो इसमें नहीं थे, वो दूसरे वाले सीन में होगा ना भाई ब्रेक लगेंगे ना कुछ भाई, बहुत बुरा मरूंगा मैं। देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे मतलब भाई ब्रेक भी नहीं मारना, दोबारा रिवर्स करना है भाई, गलत ही सीन है, लेकिन तुम्हारा भाई अच्छा खेलता है वो बात अलग है। तो गाइस एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा जो भी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पे ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करे कमेंट करे, बाकी लाइक ज़रूर कर देना यार, और कमेंट भी कर देना तुम्हारे भाई की थोड़ी बहुत तारीफ़ कर देना, ठीक है। खैर यहाँ पर अब तो मैंने हल्का एक्सीलेटर छोड़ रखा है क्योंकि भाई मैं मरना नहीं चाहता बहुत मुश्किल से भाई, ये एक ये ब्रोकन वाली और भाई एक है फ्यूल वाली, वो बहुत हार्ड है भाई लेवल, उसमें भाई फ्यूल का कुछ ज़्यादा लोचा रहता है। ये रही भाई फ्यूल वाली, पहले यहाँ पर फ्यूल वाली खेलते हैं भाई, पहले ये वाली खेलते हैं, इसमें भी मज़ा आता है, ऐसे नहीं भाई फ्यूल से मतलब पहले ही बंदा मतलब गाड़ी रुक जाती है भाई, यहाँ पर हमारा हो जाता है काम तमाम, तो इसमें तो भाई फ्यूल वाले में तो ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं भाई बच गया, अबे नहीं यार मैं भाई कंट्रोल नहीं कर पाया, वो पीछे से ड्रिफ्ट लग गई थी ना इस चक्कर में भाई, कंट्रोल गाड़ी मतलब कंट्रोल खो दिया था भाई उसमें से भाई, मैं इधर मुड़ा रहा था भाई उधर हो जा रहा था, तो भाई गड़बड़ सीन हो गया था। खैर यहाँ पर अब तो तुम्हारा काफ़ी स्पीड में चला रहा है, ये फ्यूल का भाई फ्यूल का चक्कर है भाई और कुछ नहीं, अगर फ्यूल ख़त्म हो गया भाई, मुझे ये फ्यूल की जो लाइनिंग वगैरह मतलब लेफ्ट साइड में चल रही है ना उससे मुझे पहले ही पहुंचना है अपनी फिनिश लाइन तक, अगर नहीं पहुंच पाया तो गाइस मेरा ताम तमाम मतलब मैं फेल हो जाऊंगा और क्या होगा भाई, दोबारा करेंगे लेकिन भाई करके ज़रूर आएंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है भाई मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। खैर वो अभी वक्त बताएगा कर पाएंगे, क्योंकि स्पीड में तो काफ़ी मैं अच्छा तो चला रहा हूँ गाड़ी वगैरह, ऐसे नहीं है कि मैं बेकार चलाता हूँ, लेकिन फिर भी एक मिनट हो गई क्या ये फाइनली गाइस, तुम देख सकते हो तुम्हारा भाई कितना प्रो बन चुका है ड्राइविंग में, देख रहे हो ना, बस अब रियल में भी ऐसे ही सीख जाऊँ तो भाई बात ही क्या होगी। ओके लाइन का ये कुछ इसमें शायद मुझे पता ही नहीं आज तक भाई, इसका पता ही नहीं चला कैसे क्या होना है, बस इतना पता है भाई हाईवे की जैसे यही बस सीधे सीधे चलते रहना है,
बाकी जो कॉइन्स मिलेंगे उसकी वजह से ये जो लाइनिंग है वो ऊपर जाएगी, और पता नहीं क्या है वो लाइनिंग ऊपर जाएगी, उसके बाद टाइमिंग का वो आएगा, लाइन मतलब टाइम का वो आएगा, और भाई बस शायद ऐसी फिनिश हो जाएगी। फिलहाल मुझे ठुकना तो है ही नहीं किसी से भी, कुछ भी हो जाए भाई बच के चलना है, और गाड़ी तो तेज़ चलानी होती है इसमें, शायद पता नहीं तेज़ चलानी होती नहीं होती। खैर मुझे इसमें ये पता है कॉइन्स मिलेंगे, जिस हिसाब से तुम्हें कॉइन्स मिलेंगे उसी हिसाब से तुम लोगों को मतलब जो लाइनिंग का है वो ऊपर चला जाता रहेगा, ठीक है टेम्परेचर जो भी है। ओके भाई बहुत मतलब मुझे गाड़ियों के करीब से निकालना तो शायद ये बढ़ रहा है ऐसा मुझे फील हो रहा है। खैर वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ओके भाई कुछ ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा हूँ, बहुत कम है भाई, अभी तो हाईवे में तो देख रहे हो कितनी 120 की चला रहा था मैं, अब तो भाई फिर भी नहीं सही है यार, नॉर्मली चला रहा हूँ। ओके टाइमिंग का तो वो आ गया है। ओके भाई कब फिनिश हो गई पता ही नहीं चला। खैर यहाँ पर अब ड्रिफ्टिंग फ्यूल बीआईपी स्कॉट, भाई स्कॉट नहीं पार्किंग खेलते हैं भाई, पार्किंग में भी मज़ा आता है भाई, पार्किंग में बस दो तीन टर्न मारो फिर भाई तीसरे में चौथे में वो ले लेते हैं पार्किंग में लगा दो बस। लेकिन भाई उसकी टाइमिंग का वो ज़्यादा क्लियर सीन है, क्योंकि टाइमिंग का भाई शायद मुझे मैं टाइमिंग से फेल होता हूँ, पता नहीं मेरी ठुक जाती है ऐसे कुछ सीन होता है, वो अभी पता चल जाएगा मुझे याद नहीं है शायद से मैं तो नहीं लगा नहीं पाता शायद मैं पार्किंग में उसको कार को अपनी, भाई दो आया और बस पार्किंग में लगा नहीं पाता हूँ मैं, बच गया भाई कितना सा बचा भाई। अब यहाँ पर भाई कुछ ऐसा सीन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा गंदा, मैं भाई लगा ही नहीं पाता यार। खैर मुझे यहाँ पर पीछे करना था, अब मुझे डर था भाई पीछे से ठुक ना जाए, इसलिए भाई मैंने रिवर्स लेके थोड़ी कोशिश की थी भाई पीछे आए गई, फिर मैंने कैमरा एंगल मतलब चेंज किया भाई कि मुझे भाई इसको करना ही करना है। ओके भाई लास्ट में डर लगता है मुझे भाई, लेकिन जो भाई मैं गलत सीन मतलब मैंने गलत उसको वो कर लिया था पार्किंग। खैर यहाँ पर तो मैं कर ही देता हूँ कैमरा एंगल चेंज करके। ओके लेकिन भाई डर लग रहा है अभी भी भाई पीछे ना ठुक जाए, एक तो कार भी तो लंबी है भाई छोटी वाली होती भाई कहीं भी घुसे तो कुछ मतलब नहीं था उसको जो उसको मिलती हमेशा। ओके पी लगा दी, ओके गाइस इतनी सही लगाई, इतनी बुरी भी पार्किंग पे नहीं लगाई है, फिलहाल कैमरा एंगल चेंज करके लगाई वो बात अलग है। ओके वो तो पार्किंग हो गई, बीआईपी स्कॉट नहीं ये तो सब हो चुकी हैं शायद से, अब अपने लिए खेलते ना बीआईपी वाला, ठीक है तो ये इसमें बीआईपी कंफर्ट चाहिए उसको और कुछ नहीं भाई, जो हमारा ड्राइवर है और जो पीछे बैठे होंगे लोग मतलब जो भी है उसको कंफर्ट चाहिए भाई बीआईपी वाला। तो मुझे भाई बिल्कुल स्लो चलाना है गाड़ी और बहुत ही ज़्यादा मतलब भाई मतलब ड्रिफ्टिंग वगैरह नहीं मारना, तेज़ ब्रेक नहीं मारना है। खैर यहाँ पर तो कुछ और ही सीन हो गया भाई, मैं टकरा गया भाई, चलो कोई नहीं यार, मतलब मुझे मतलब जो भी लोग अंदर बैठे हैं ना उनको ऐसा महसूस कराना भाई, मतलब ना ज़्यादा तेज़ चलाना है, सेफली मतलब पहुँचाना है, ना ड्रिफ्ट मारना है ना तेज़ ब्रेक मारना है। ये लाइनिंग देख रहे हो ना, ये लाइनिंग नीचे डाउन होती चली जाएगी भाई अगर मैं कुछ उल्टा सीधा चलाऊंगा, तो भाई मुझे बहुत ही संभाल के काम करना होगा, ड्राइविंग करना होगी, सॉरी काम क्या कर रहा हूँ, हाँ काम ही हुआ ये भी वैसे। चलो भाई मतलब तेज वैसे चला लूँ तेज, लेकिन जब भाई टर्न वगैरह करना हो ना, मुड़ाना वगैरह हो, तो भाई हल्की स्पीड में ब्रेक लेकर फिर भाई मुझे मुड़ाना चाहिए, ऐसा इसका कहना। खैर यहाँ पर देख सकते हो भाई गलत ही सीन हो रखा है। ओके चलो भाई क्या करते हो, चलो इसमें भाई पार्किंग में लगाना होती है, ऐसे नहीं है पार्किंग में, इसमें भी लास्ट में पार्किंग में लगाना होते हैं, वो पार्किंग अभी आएगी। और तो मैं भाई बहुत ही प्यारा भाई ऐसे ही पार्किंग करता है इसमें, तो कुछ पूछो ही मत भाई, कैमरा एंगल नहीं चेंज करता गाइस, उस बारे में मैंने पार्किंग में पार्किंग लेवल में कर दी थी, कैमरा एंगल इसमें नहीं करता तुम्हारा भाई। अब यहाँ पर देखो सकते हो कि तुम्हारा भाई ऐसे ही करेगा पार्किंग, डर लग रहा है लेकिन भाई तुम्हारा भाई ऐसे ही करेगा गुस्से में चेंज योर। ओके देखा गाइस मैंने, तुम्हारा भाई ने मतलब कैमरा एंगल चेंज ही नहीं किया ऐसी, भाई तो सब कुछ तो हो चुका है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।